कृष्ण भगवान को बहुत सारे कोपिया प्रेम करते थे और बापूजी को भी लाखों करोड़ों लोग प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान बंसी बजाकर गोप गोपियों को झुमाते थे और हमारे बापूजी जब भगवान नाम जप कराते हैं तो सारे लोग साधक असाधक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झूमने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुस्कुराने से सारे ब्रजवासी मुस्कुराने लगते थे और उनकी चिंता और शोक दूर हो जाते थे। ऐसे ही बापू जी के मुस्कुराने से हम भी निश्चिंत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान तुलसी वन में रहते थे, गैया चराते थे और हमारे बापू जी को भी तुलसी, तुलसी की माला, तुलसी का वन बहुत प्रिय है। हमारे बापू जी गौ माता को खूब स्नेह करते हैं। बापू जी ने गौ माता के लिए देश में कई सारे गौशालाएं खुलवा दिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण मुसीबतों से खेलते थे, राक्षसों से लड़ते थे, ऐसे ही हमारे बापूजी भी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन भर आसुरी ताकतों से लड़ते आए हैं। कितने ही लोगों की बुरी आदतें जैसे शराब पीना, पान मसाला, मांस खाना सब छुड़ा दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया, ऐसे ही हमारे बापूजी भी बड़ी करुणा करके असंख्य साधकों के दुख रूपी पर्वत उठाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सदा ही सुख पाटा और अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की, ऐसे ही बापूजी भी आते हैं तो हमें हंसा देते हैं और अपनी पीड़ा छुपाए रखते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का विरह गोप गोपियों को सहना पड़ा, ऐसे ही हम भी अपने बापूजी के विरह में खूब रोते हैं, उनके दर्शन सत्संग की आशा करते हैं। हे बापूजी, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। Guru Vaidya।